YouTube देखने वालों को मेरा नमस्कार, श्री अकाल, आदाब। आज मैं आपको राग कमोद के विषय में कुछ बताना चाहता हूं। राग कमोद की उत्पत्ति कल्याणसाठ से हुई। कल्याणसाठ में दोनों मध्यमों का प्रयोग होता कल्याण साठ से उत्पन्न राग कमोद संपूर्ण जाति का राग है। इसमें सातों स्वर आरोह में अवरोह में लगते हैं, लेकिन वक्र तरीके से। ऋषभ और पंचम की संगति इसमें बड़ी भरी लगती है। पंचम वादी और रेशम वादी तो समय इसका राग का रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि रात के पहले पहर में इसको गाया बजाया जाता है। तो इसके अरोह तो इस प्रकार इस राग में सम प्रकृति राग छाया नट और राग हमीर की छाया आती है। जैसे राग हमीर में गा गामा ध धैवत पर जोर देने से हमीर का जो चरण है स्पष्ट हो जाता है। जैसे एक गाना पुरानी फिल्म का, कोहनूर फिल्म का, जिसमें गरीब कलाकार, सिने कलाकार गरीब कुमार ने मधुबन में राधिका नाचे, मधुबन में राधिका नाचे, गिरिधर की मुरलिया बाजे, ऐसे हम स्वरों का प्रयोग करेंगे गा मा ध, तो हमीर तो स्पष्ट हो जाएगा। अब इससे बचना है तो इसलिए अब छोटी सी बंदिश मैं आपको सुनाता हूं तीन ताल में।
एक बात के लिए क्षमा चाहता हूं, मेरे हाथ में कुछ क्या करूं, नुक्स है इस अंगूठे में। वैसे तो सितार का रखाव तो इस तरह से है, खूबसूरती भी है इसमें और बजाने में कई बातों का जो है वो कई बोलों में कई बहुत सी बातें हैं जिसमें इस हाथ से और इस तरह से बड़ी मदद मिलती है। बदकिस्मती की बात है कि मैं इसमें बजा नहीं पा रहा हूँ। अब जैसे उसकी ऊपर वाले की मर्जी है, फिर भी कोशिश है कि इस तरह से ये लगा रखा है हिसाब तो। आप चलो